जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पे। तो मैं प्रिया आज आपके साथ KVS PRT की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन और अपडेट आप सभी लोगों के लिए उसको लेकर आज आपके साथ साझा करने वाली हूँ, जो कि है री एग्ज़ाम से रिलेटेड। KVS PRT में कौन सा एग्ज़ाम जो है आपका हुआ है अपडेट, जो कि परसों मतलब 11 तारीख को होने वाला है, 11 मार्च को। तो अभी वो पूरी नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या आया है। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन, यहाँ पे अनाउंसमेंट आपको दिख रहा है। तो इसी अनाउंसमेंट में अभी मैं आपको दिखाऊंगी नोटिस रिगार्डिंग कंडक्टिंग द CBT फॉर द पोस्ट ऑफ PRT एट मुजफ्फरपुर डिजिटल सेंटर बरिया रोड दादर अहियापुर मुजफ्फरपुर बिहार, सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर की बात की गई है। तो यहाँ पर तो ये आपकी पूरी इम्पॉर्टेंट जो है न्यूज़ है, ये आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो है आपकी आज के डेट की ही है। अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये देखिए, ये आज के डेट की 9 तारीख की न्यूज़ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है दिनांक 28/2, मतलब 28 फरवरी को जो सेकंड शिफ्ट को जो आपका निम्न परीक्षा केंद्र पर आयोजित प्राथमिक शिक्षक की कंप्यूटर आधारित परीक्षा भर्ती, जो CBT कंप्यूटर बेस्ड हमारी है, रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा प्रशासनिक कारणों से निरस्त की जाती है। क्लियर। तो यहाँ पे कौन से जगह का है, तो जो मुजफ्फरपुर डिजिटल सेंटर बरिया रोड दादर अहियापुर मुजफ्फरपुर बिहार की जो है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको कि ये जो आपका दिनांक 28 तारीख को ये हुआ था, इसकी उपस्थित परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि वह पुनः परीक्षा जो है 11 तारीख, जैसा कि मैंने आपको बताया परसों, आज है 9 तारीख, 10 और 11 परसों आपकी परीक्षा आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा जो 28 तारीख में जितने भी विद्यार्थी जो परीक्षार्थी थे वो उपस्थित थे, उनके प्रवेश पत्र मतलब उनका जो री एडमिट कार्ड है री एग्ज़ाम होने के लिए, वो वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। परीक्षार्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह अपना नया प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर उपरोक्त पुनः परीक्षा में अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हों। 11 को पुनः परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को इसके बाद परीक्षा का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ कही गई है कि अगर आप 11 तारीख का आपका पेपर, अगर 28 को सेकेंड शिफ्ट में आपने दिया है PRT का, और अगर 11 तारीख को आप एबसेंट रहते हैं तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपके मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे और इसके साथ ही री एग्जाम दोबारा से एग्जाम का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। यही कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पे आपको इंग्लिश में दी हुई है, मैं एक बार पढ़ के सुना भी देती हूं। द कैंडिडेट प्रेजेंट ऑन एवर मेंशन डेट दैट इज 28/2/2023 एट दैट सेंटर आर इन्फॉर्म्ड, दैट सेंटर का मतलब ये वाले सेंटर की बात की जा रही है, ठीक है। At that center are informed that re-examination will be conducted on 11/3/2023. The new admit card for the candidates present on 28/2/2023, means the candidates who are present at that date has already been uploaded on the website. And re-exam date kab hai? 11/3/2023. And if you are absent, then you are totally responsible. Okay? So, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपकी important notification थी KVS PRT के बच्चों के लिए। तो जितने भी बच्चों का exam है उन सभी को re-exam दोबारा से देना है। इसके साथ ही मे भी हो सके तो जो आपके कट ऑफ्स हैं और जिनका इंटरव्यू होने वाला है, तो इंटरव्यू मान लीजिए जिसके अच्छे मार्क्स से जिनका होगा वो इंटरव्यू की तैयारी करें, 11 को री एग्ज़ाम है उसके बाद हो सकता है, तो कट ऑफ पे भी इसका जो है आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए इतनी ही सूचना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।